हम सब एक दुकानदार के पास सामान खरीदने गए तो हमने वहाँ देखा कि वह दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ कुछ लाभ हानि के बारे में बातें कर रहा था। हाँ भैया, हम बस इतना ही अंदाजा लगा सके कि लाभ हानि सामान के खरीदने और उनके लेन देन से संबंधित है। अच्छा रानी, बच्चों वाकई एक बहुत ही अच्छी चीज की ओर तुम लोगों का ध्यान गया। मुझे इस बात की खुशी है कि एक रोचक विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिए तुम लोग कुछ हद तक सही परिणाम पर पहुँचे। तो भैया अब आप इस विषय में हमें पूरी जानकारी दीजिए। हाँ भैया, पूरी जानकारी। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको लाभ और हानि के बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। पर लाभ और हानि को बताने से पहले सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये लाभ और हानि कैसे प्राप्त होता है या इसका पता कैसे चलता है। देखो बच्चों, कोई भी दुकानदार अपना सामान या तो किसी थोक व्यापारी से या फिर किसी निर्माता से क्रय करता है। इस प्रकार उस थोक व्यापारी या निर्माता से सामान को क्रय करने के लिए वो दुकानदार जो मूल्य उन्हें देता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस मूल्य पर वह दुकानदार अपने सामान को दूसरे दुकानदारों के पास बेचता है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। हाँ बच्चों, ये तो हुआ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब मैं आपको लाभ के बारे में बताता हूँ। लाभ किसी भी विक्रेता को तब प्राप्त होता है जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है, यानी कि जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य बड़ा हो उसके क्रय मूल्य से, उस दशा में विक्रेता को लाभ होता है। समझे? जी भैया। यानी कि भैया लाभ तभी प्राप्त होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। बिल्कुल ठीक कहा रामू तुमने, लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। इस प्रकार लाभ का सूत्र लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य के होगा। इस दशा में विक्रय मूल्य बराबर होगा किसके, जानते हो? विक्रय मूल्य होगा लाभ धन क्रय मूल्य के, और साथ ही साथ इस दशा में हम क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। तब उस दशा में क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य ऋण लाभ के। समझे बच्चों? जी भैया। हाँ, इसको हम संक्षेप में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि लाभ बराबर वि मूल्य ऋण क्रमू यानी क्रय मूल्य के, और इस दशा में विक्रय मूल्य भी हम लिख सकते हैं विमूल्य बराबर किसके होगा, लाभ धन क्रमू यानी क्रय मूल्य के, और क्रमू यानी क्रय मूल्य बराबर विमू यानी विक्रय मूल्य ऋण लाभ के। समझी रानी? जी भैया। क्या समझी? यही कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक समझी रानी। इसका मतलब भैया, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया हो और जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो हम उसका लाभ निकाल सकते हैं। हाँ गीता, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ये हमने आपको लाभ के बारे में बताया। अब जब इस तरीके से आपको कोई भी सवाल में लाभ निकालने के लिए या कोई भी सवाल में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हो तो अब आप लाभ निकाल सकते हैं। समझे बच्चों? जी भैया। हाँ, अब लाभ के बाद मैं आपको हानि के बारे में बताता हूँ। हानि किसी भी विक्रेता को तब होती है जब किसी भी वस्तु का
क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो, उस दशा में विक्रेता को हानि उठानी पड़ती है। इस प्रकार हानि का सूत्र इस प्रकार से होगा, यानी जबकि क्रय मूल्य बड़ा हो, विक्रय मूल्य के, तो उस दशा में विक्रेता को क्या होगी? हानि। बिल्कुल सही बच्चों, उस दशा में विक्रेता को हानि होगी, और तब हानि का सूत्र होगा हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य के। और इस दशा में हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का भी सूत्र निकाल सकते हैं। इस दशा में क्रय मूल्य का सूत्र सबसे पहले देखेंगे, या समझ लीजिए विक्रय मूल्य का सूत्र हम आपको पहले दिखाएं। विक्रय मूल्य, इस दशा में विक्रय मूल्य का सूत्र होगा विक्रय मूल्य बराबर हानि धन क्रय मूल्य के। ये तो हुआ विक्रय मूल्य का सूत्र। अब हम इसी प्रकार क्रय मूल्य का सूत्र भी निकाल सकते हैं, देखिए कैसे। इस दशा में क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि के। इसे हम संक्षेप में भी लिख सकते हैं इस प्रकार, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य के। इस दशा में विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य ऋण हानि के, और फिर वही क्रय मूल्य बराबर होगा विक्रय मूल्य धन हानि के। बच्चों ये तो हुई हानि। इस प्रकार जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से ज्यादा होता है तो उस दशा में विक्रेता को हानि होती है। प्रायः एक दुकानदार क्रय की गई वस्तु को बेचने से पूर्व कुछ अतिरिक्त व्यय करता है, उस अतिरिक्त व्यय को उपरिव्यय कहते हैं। वह अतिरिक्त व्यय क्या है? जैसे गाड़ी भाड़ा, मजदूरी, रख रखाव, गोदाम का रख रखाव, ये सब अतिरिक्त व्यय है, ये सब उपरिव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपरिव्यय। हाँ, ये उपरिव्यय सामान्यतः क्रय मूल्य में जोड़ करके दिखाए जाते हैं। इस प्रकार क्रय किए गए सामान का प्रभावी क्रय मूल्य का सूत्र निम्न प्रकार से होगा। उस दशा में क्रय मूल्य जबकि उपरिव्यय जुड़ा होगा बराबर होगा सामान को खरीदते समय दी गई राशि या धनराशि धन उपरि व्यय यानी अतिरिक्त व्यय के। बच्चों ये तो हुआ लाभ और हानि के बारे में। इसका मतलब बच्चों अब तुम लोग लाभ और हानि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान गए होगे, क्यों? जी भैया। और तुम लोगों की उलझने भी कुछ हद तक दूर हो गई होंगी, क्यों? हाँ भैया। अच्छा तो अब ये बताओ, अगर मैं तुम्हें किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उस वस्तु को उस मूल्य पर खरीदे पर विक्रेता को लाभ हुआ या हानि, यानी कि उस वस्तु को उस मूल्य पर यदि विक्रेता बेचे तो उस विक्रेता को हानि होगी या लाभ, ये क्या तुम लोग बता सकते हो? जी भैया। अच्छा तो देखो और बताओ, यदि कोई विक्रेता
किसी वस्तु को, मान लिया जाए वो कपड़ा है, किसी कपड़े को ₹8.40 प्रति मीटर, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ₹8.40 प्रति मीटर के हिसाब से क्रय करता है, यानी कि खरीदता है और उसे बेचता, यानी कि विक्रय करता है, क्या करता है, विक्रय करता है, हाँ, उसे ₹9.80 प्रति मीटर के हिसाब से बेचता है, तो उस दशा में विक्रेता को लाभ हुआ या हानि, यदि लाभ हुआ तो कितना और यदि हानि हुई तो कितनी। हाँ गीता तुम बताओ, यहाँ विक्रेता को लाभ हुआ या हानि? भैया यहाँ तो विक्रेता को लाभ हुआ। कैसे भला, जरा बताओ तो, मैं लिखता हूँ। देखिए भैया, हाँ, यहाँ विक्रय मूल्य ₹9, हाँ, यहाँ विक्रय मूल्य ₹9 ₹80 प्रति मीटर है, हाँ, गुड, जो सही बोला आपने, हाँ, जो कि ज्यादा है, हाँ, हाँ, जो कि ज्यादा है क्रय मूल्य, हाँ, ₹8.40 से, हाँ, अतः विक्रेता को, हाँ, अतः, हाँ, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, बहुत सही, हाँ, तो विक्रेता को लाभ होगा, बिल्कुल सही बताया गीता आपने। अच्छा रानी तुम बताओ, आप रहन दीजिए, पहले तो मैं रामू से पूछता हूँ, बहुत देर से शांत बैठा है, रामू तुम बताओ, यहाँ विक्रेता को कितने का लाभ हुआ? भैया यहाँ तो दुकानदार को ₹1.40 प्रति मीटर का लाभ हुआ। जरा बताओ तो, आप बोलो और मैं लिखता हूँ, बताओ तो जरा। देखिए भैया, हाँ, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, हाँ बोलते जाना, विक्रय मूल्य बड़ा है क्रय मूल्य से, हाँ, जिससे यहाँ लाभ हुआ, बिल्कुल सही, मैं और फिर लाभ के सूत्र, लाभ बराबर, हाँ, लाभ बराबर मूल्य, हाँ, हाँ, ऋण क्रय मूल्य, हाँ, मैं ये मान रखने पर, हाँ, नौर बर, लाभ बराबर, हाँ, मान रखे जाए तो ₹80, हाँ बोलते जाइए, ऋण, हाँ, ₹8.40, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रुपए को बाहर लिख दिया जाए, प्रति मीटर है बराबर, कितना आएगा, ₹1.40 ₹1.40 प्रति मीटर, बिल्कुल सही बताया रामू आपने, इस प्रकार, इस प्रकार विक्रेता को ₹1.40 प्रति मीटर का लाभ हुआ, बहुत सही रामू। इस पप्पू आप बताइए, क्या रामू ने ये बिल्कुल सही बताया? जी भैया एकदम सही बताया। अच्छा, यानी आप भी लाभ और हानि को अच्छी तरीके से समझ गए? हाँ भैया। बच्चों इसका मतलब अगर आपको कभी भी कोई लाभ और हानि का से संबंधित कोई भी प्रश्न दे या कोई भी सवाल इससे संबंधित दे, तो आप लोग उसे आसानी से हल कर सकते हैं ना? जी भैया कर सकते।